दोस्तों जे के एस एस बी क्लास फोर्थ यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ एम टी एस के रिलेटेड जो वेटिंग लिस्ट है वेटिंग लिस्ट के रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार मुझे डी एम्स कर रहे हैं मैसेजेस कर रहे हैं कमेंट्स कर रहे हैं हर जगह पे जो है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि भाई जो क्लास फोर्थ यानी एम टी एस की ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है उसका जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगा उसका क्या प्रोसेस है क्या चीज़ें हैं तो भाई वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास फोर की जो वेटिंग लिस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि भाई अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे आप हमारे इन सोशल मीडियाज पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल के साथ साथ दोस्तों आ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस इस टेलीग्राम की इस पीडीएफ में यहाँ पे फाइल्स में, में मैंने आपके साथ बहुत सारी स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें शेयर कर रखी हैं अगर आप जे के के किसी भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं आपका भाई आपकी बहन कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये चीज़ जरूर शेयर करें ठीक है तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है कि भाई हमने एक करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट की है करंट अफेयर सीरीज़ आपकी ये पी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा हालाँकि इस पर मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है बट स्टिल मैंने करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी और इसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो आपको प्रॉपर मतलब आप शॉर्ट में जो है वो अपना कवर कर सकते हैं ठीक है जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है इसके अलावा हमारी मंथली कंपाइलेशन भी आती है तो मंथ के एंड पे जो है वो हमारे वो करंट अफेयर्स आते हैं और वो भी जो है वो आप डाउनलोड करें जनवरी का मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है तो चलिए आज का ये हमारा डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं देखिए दोस्तों जहाँ तक बात है आपकी क्लास फोर्थ एम की वेटिंग लिस्ट की तो उसके रिलेटेड मैंने आपसे इतनी बार इतनी सारी वीडियोज़ में कहा कि भाई साहब जे के एस की जो रिक्रूटमेंट है इसमें तो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसमें तो भाई ये लिखा हुआ है कि भाई एक प्रॉपर ये लिखा हुआ है कि भाई एक जैसे ही एक रिक्रूटमेंट मतलब क्लियर हो जाती है ठीक है मतलब एक रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है मान लीजिए आठ हज़ार पाँच सौ पचहत्तर पोस्टें थी और आठ हज़ार पाँच सौ पचहत्तर पोस्टों की सारी मतलब रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई मतलब ये कि आठ हजार पाँच सौ पचहत्तर बच्चों ने अगर ज्वाइन कर लिया तो उनके ज्वाइन करने के बाद मतलब वो तो हो गए ना रिक्रूटमेंट कंप्लीट अब रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद सभी कैंडिडेट्स को जो मेरिट के हिसाब से जो है वो लिस्ट में होते हैं तो उनकी एक वेटिंग लिस्ट तैयार कर दी जाती है अब वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है और वेटिंग लिस्ट के साथ में ही दोस्तों फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए जो साठ हज़ार पाँच सौ पचहत्तर बच्चे उनमें से किसी ने आधे में छोड़ दिया मतलब एक सा आधा साल हो गया पाँच छः महीने हो गए छोड़ दिया या ऐसे इस तरह से वैकेंसी क्रिएट हो गई तो फिर क्या करती है जे के एस एस बी जे के एस एस बी को रिकमेंडेशन जाती है और जे के एस एस बी फिर वहाँ उस वेटिंग लिस्ट में से बच्चे को फॉरवर्ड कर देती है नाम और वहाँ से बच्चे का नाम आ जाता है आप क्योंकि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर इसमें आप हमें बताओ कि ये वैलिड कब तक रहता है यानी कि मतलब जो वेटिंग लिस्ट जो, जो मान लीजिए आज जे के एस एस बी ने वेटिंग लिस्ट आउट कर दी तो वो वेट वेटिंग लिस्ट कब तक वैलिड रहेगी तो भाई वो एक पूरे एक साल के लिए वैलिड रहती है मैं आपको बता दूं पूरा एक साल होता है और एक साल के एक साल के कैलेंडर ईयर में आ, जो है वो एक साल के कैलेंडर ईयर का टाइम होता है और एक साल के कैलेंडर ईयर में जो है वो आ, के लिए वो वेटिंग लिस्ट रहती है तो बस फिर एक साल के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है एंड फिर वो जो है वो नई स्टार्ट हो जाती है तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी तो भाई पूरी आठ हज़ार पाँच सौ पचहत्तर बच्चों ने ज्वाइन किया ही नहीं है तो भाई वेटिंग लिस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है पहली बात तो ये दूसरी बात ये दोस्तों कि आप में से मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया था कि भाई साहब अगर आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं किसका अगर आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का और आप कुछ और काम नहीं कर रहे क्लास फोर्थ की वेटिंग लिस्ट का काम वेट कर रहे हो और आप कुछ और काम नहीं कर रहे यानी कि आप फर्दर स्टडीज़ वगैरह नहीं कर रहे हो पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भाई वो अपने आप के साथ एक धोखा है ठीक है बाकी यार वेटिंग लिस्ट का वेट करना कोई गलत बात नहीं है बट डेस्परेटली अब उसी का वेट करना और कुछ और ना सोचना यार वो तो गलत बात है ना यार मतलब वो तो हो गई ना धोखे वाली बात अपने आप के साथ धोखा करना इन ऑल दैट तो बस यही चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि वेट ना करें बाकी किस्मत में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा वो तो आने वाला वक्त ही देखा जाएगा कि किसकी जॉब लगती है किसकी नहीं लगती है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा बाकी बस यही चीज़ें हैं इन सब चीज़ों का ख़ास खास ख़्याल रखें बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप वेट आपको वेट नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा मैं बिल्कुल भी वैसा भी नहीं बता रहा बट हाँ अगर आप साइड बाई अपना पढ़ाई कर रहे हैं स्टडीज़ जारी है आपकी तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कोई गलत बात नहीं कोई बुरी बात नहीं है कि आप जो है वो आ, अपनी पढ़ाई छोड़ दें लाइक अपनी पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो वेटिंग लिस्ट का भी वेट करें ठीक है बस ये चीज़ें हैं इन सब चीज़ों का ख़ास खास ख्याल रखें बाकी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि पीडीएफ्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी तो कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझे बता के ज़रूर मतलब कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मैसेज करें चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खुदा हाफिज